हाय गाइस, व्हाट्सअप, कैसे हो आप सब। तो गाइस, आज मैं दोबारा फिर कानपुर आ गया था, फिर साइज लेना था मुझे साइज का। तो ये यहाँ पे दो रूम है, छोटा छोटा सा। यहाँ आपको व्यू देता हूँ अभी का, और जब फर्नीचर आएगा तब अभी मैं व्यू दूंगा। तो वीडियो में बने रहे, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें अपने फ्रेंड में, और जो नए मेरे चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो चलो चलते वीडियो की तरफ। ये गाइस एक पूरा रूम है, ये स्टडी रूम बनने वाला है, ये वो ये, और ये भी सीलिंग भी तैयार हो रहा है, और ये एसी, और ये एक एसी आ गया, और ये एक यहाँ पे भी वॉल, और ये एंट्रेंस गेट है ये, और ये विंडो है, ये विंडो, ये पूरा विंडो है, और ये स्टडी रूम है। यहाँ फर्नीचर आना है और अभी यहाँ पर काम चल रहा है। और दूसरा रूम ये है, क्योंकि मैं अंदर से नहीं बाहर से ही आया हूँ। एक रूम ये है, ये बाहर एरिया है। यहाँ भी सीलिंग का काम अभी हो रहा है, सीलिंग की तैयारी। और ये वॉल देखें, सारा तोड़ फोड़ होना अभी बाकी है, ये पूरा तोड़ फोड़ होएगा, उसके बाद बाहर बनेगा यहाँ का। तो इस रूम का भी ऐसे आज से कम 2-3 महीने के बाद चेंजिंग देखिएगा आप लोग, क्या मस्त व्यू आता है। अभी तो ऐसा लग रहा है कबाड़ा, कबाड़े से हम बना देंगे इसे शीश महल जैसा, क्योंकि अभी तो कुछ भी नहीं है। और ये यहाँ का लॉन एरिया है, ये पूरा लॉन एरिया है, पूरा लॉन एरिया है, फूल भी लगे हुए हैं भाई पौधों में। और गाइस, ये फूल का नाम बताना प्लीज, कौन सा है। ठीक है, ये पूरा लॉन है, और ये ओल्ड हाउस है। ओह, गिलहरी। और ये पूरा लॉन है, और पूरे घर को है ना पौधे ने घेर रखा है। ये ओल्ड हाउस है, यहाँ से इसको रिनोवेट करके ना न्यू कर रहे हैं, क्योंकि देख रहे हैं ये सारा टूट फूट हो रहा है। और मेरे हिसाब से ये वाला जो एरिया है ना, ये नया बना हुआ है, क्योंकि यहाँ से एंट्रेंस, इसका सीलिंग भी नया है, और ये दीवारें सारी नई हैं। तो गाइस, इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें फ्रेंड में, और जो है मेरे चैनल को, चैनल को सब्सक्राइब भी करना, और बेल आइकन भी प्रेस करना है कि कोई भी वीडियो डालूंगा उसको नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द आ जाए। और अभी तक पूरा अपना ख्याल रखें।